समय पवित्र कैथोलिक कलीसिया हमारे लिए यह यात्रा का समय प्रदान किया, उपवास का, बरहेज का, तपस्या का, पश्चाताप का, प्रार्थना का, बलिदान का यह समय, और ये आध्यात्मिक अभ्यास हर प्रत्येक जन को पास्का की तैयारी के लिए दिया गया था। आज पास्का की रात्रि है, यह रात्रि पावन रात्रि है जिसको पिता परमेश्वर ने स्थापित किया। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 में हम सब पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है यह जागरण की रात होगी, सब कोई सतर्क रहेंगे, कोई नहीं सोएगा, क्योंकि यह जागरण की पावन रात्रि है। जागरण का वह समय जब हम सब कोई जागेंगे, तुम्हारी कमर कसी रहे, हाथ में डंडे रहूं और सब कोई तैयार रहे, प्रभु का बुलावा कभी भी होगी, हम सबको यहां से निकलना होगा, इस गुलामी से स्वतंत्रता की ओर जाना होगा, लाल समुद्र पार करते हुए हमें कनान देश की ओर कूच करनी होगी। और यह एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी ईश्वर की चुनी हुई प्रजा के इतिहास में, और इस घटना इस रात्रि के पहले 9 बड़े बड़े चमत्कार हुए थे। इसराइल कौम के लिए, इसराइल प्रजा के लिए, इसराइल चुनी हुई प्रजा के लिए परमेश्वर ने अपनी महान कार्य को, अपने प्रेम को, उनके प्रति अपनी मोहब्बत को इन तमाम घटनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया था। और प्रतिज्ञा देश कनान की ओर कूच करने के लिए इसी रात्रि को वह चुना था। हम लुकस के सुसमाचार में अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे, ताकि जब प्रभु का आगमन होगा तो प्रभु आपको विवाह भोज में वह प्रवेश कराएगा और उस महाभोज में सम्मिलित होगा जो अनंत आनंद है, अनंत शांति है। आज की रात हम सब कोई उसी रात्रि की उस प्रेरणा को, वह रात्रि जो प्रकाश में बदलती है, उसी प्रकाश को हम अपने अपने जिंदगी में आज महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर ने गुलामी से, प्रताड़ना से, बेट बेगारी से अपनी कौम को मिस्र देश से निकाल करके प्रतिज्ञा देश, प्रॉमिस्ड लैंड, कनान देश की ओर अपनी प्रजा को लाखों लाखों की संख्या में रातों रात पार कर रहा है। आज नए जो स्थान में प्रभु मसीह ने इसी पास्का को एक नया रूप प्रदान किया, नया आयाम दिया, नया अर्थ प्रदान किया। यही रात मृत्यु से पुनरुत्थान की ओर की रात है, अंधकार से प्रकाश की ओर की रात है, हताशा से आशा की ओर की रात है, अंधकार से ज्योति की ओर बढ़ने की रात है। और इस चीज को प्रभु मसीह ने 40 दिन और 40 रात के हमारे आध्यात्मिक अभ्यास में हम लोगों को सुनाया। हम मरियम मगदलीना को सुनते हैं, वह जाती है कब्र के पास यीशु को देखने के लिए, और वहां पर यीशु नहीं मिलते, कब्र खाली मिलती है, यीशु पुनर्जीवित हो गए हैं। और जब मरियम मगदलीना का यीशु देखते हैं और उनको कहते हैं जाओ मेरे भाइयों को संदेश देना, वे मुझे गलीलिया में मिलेंगे, और वो दौड़ते दौड़ते हाफते हाफते वो जाती है और प्रेरितों को यह संदेश सुनाती है कि प्रभु मसीह जी उठे हैं, मैंने प्रभु पुनर्जीवित प्रभु मसीह को देखा। मरियम मगदलीना यीशु पुनर्जीवित
यीशु को देखा था, बातचीत की थी और उसकी साक्षी वह प्रेरितों को जाकर के देती है। थॉमस कहता है, आप तो सब मजाक कर रहे हो मेरे ऊपर, आप तो कह रहे हो कि हमने प्रभु मसीह को देखा है, मैं विश्वास नहीं करता जब तक मैं उनके घावों को अपनी अंगुली से ना छू लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। यीशु ने उनके आत्मा के उस आवाज को भी उसने प्रत्युत्तर दिया, बंद कोठरी में पुनर्जीवित प्रभु मसीह चेलों के सामने खड़े होकर के कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रेरितों को सबसे बड़ी जरूरत थी शांति की, और इसलिए शांति का संदेश देते हैं और नाम लेकर के थॉमस को कहते हैं, थॉमस तुम विश्वास नहीं करोगे ना, आओ, ये मेरे घाव हैं, ये मेरे सीने का घाव है, ये मेरे हाथ है, ये पैर है, आओ देख लो, छू लो और विश्वास करो। और थॉमस ने ये शब्द कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। छुआ कि नहीं छुआ, ये चीज पवित्र बाइबल में लिखा नहीं है, क्या छूने का हिम्मत करेगा, वो तो अवाक रह गया। और ये सब आत्मा की आवाज उसके मुंह से निकल पड़ी, मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। और प्रभु मसीह ने थॉमस को कहा, थॉमस तुम तो देख के विश्वास कर रहे हो, धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अब आप विश्वासी नहीं, लेकिन तुम विश्वासी बनो। आपके मन में भी सवाल हो रहा होगा, पुनर्जीवित प्रभु मसीह को इतने लोगों को दिखाई दिए, आज हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं? मरियम मगदलीना को दिखाई दिए, प्रेरितों को दिखाई दिए, थॉमस को दिखाई दिए और कई लोगों को यीशु ने दर्शन दिया पुनर्जीवित होकर के। एम्माउस के रास्ते में निराश होकर के दो प्रेरित चल रहे हैं, आपको सब तमाशा खत्म हो गया भैया, चल चल हम घर चले, वे रातों रात चल रहे हैं एम्माउस की राह पे। अब वहां पर देखिए, इन दोनों चेलों के साथ पुनर्जीवित प्रभु मसीह चलते 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 उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो कहते हैं, अरे कहां जा रहे हैं, रात हो रही है, सांझ हो रही है, ठहर जाइए हमारे पास, कल सुबह सुबह चले जाइएगा। प्रभु कहते ठीक है, कहा रुक जाते हैं। और उसके बाद में खाना का समय होता है, वचन कहता है प्रभु ने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और रोटी को उसने तोड़ा। ये सब कहता है, जैसे ही प्रभु ने रोटी को तोड़ा, उनके विश्वास की आंखें खुल गई और तुरंत उन्होंने पुनर्जीवित प्रभु मसीह को पहचान लिया और तुरंत प्रभु वहां से उधर हो गए। रातों रात ये चेले वे एम्माउस से लौटे हैं यरूशलेम अन्य प्रेरितों को इसी बात की साक्षी देने के लिए कि हमने प्रभु को देखा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु का पुनर्जीवन, यीशु का मृतकों में से जी उठना, ये ना केवल एक काल्पनिक बात कह कही जा रही है, ना केवल ये सुसमाचार में लिखी जा रही है, लेकिन आज की वह हकीकत है, आज के इस जीवन में एक्चुअल टाइम का ये हकीकत है। आज प्रभु इस जागरण में पुनर्जीवित हो रहे हैं, हमने उस पुनर्जीवित यीशु की घोषणा हमने की, हालेलुया हालेलुया इस गीत के लिए, हालेलुया शब्द में प्रभु की स्तुति हो, इस शब्द में प्रभु पुनर्जीवित प्रभु मसीह की आत्मा का सामर्थ्य भर दिया और उसी चीज को हम लोगों ने एक साथ हमने उच्चारा, पुनर्जीवित प्रभु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। क्या आपने पुनर्जीवित प्रभु मसीह को देखा है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस चालीसे के अवसर पर मुझको बहुत सारी जगहों में विनती पुआस देने का अवसर मिला, लेंटन रिट्रीट, लोग मुझको बुलाए, फादर आइए हम लोग विनती पुआस करना चाहते हैं, 3 दिन का विनती पुआस करना चाहते हैं, रिकलेक्शन करना चाहते हैं, हम लोग इस आध्यात्मिक अभ्यास में हम पुण्य लेना चाहते हैं। मैं गया, विनती पुआस मैंने दिया, मैं अपनी आंखों से देखा, लोगों को बदलते हुए देखा,
मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के, उदास दिल लेकर के वे विनती उपवास में आए थे। गुलाब के फूल की तरह हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के वे अपने गांव में गए, अपने घर गए। इतने लोगों का काउंसलिंग हुआ, इतने लोग डिप्रेस थे। दो दो साल तक हम लोग जागरण नहीं किए थे, पास्का पर्व नहीं मनाए थे, दिल तरसता था। लोग बहुत स्वीकार किए, लोग बहुत फोन करने लगे मुझको कि हम अवसर नहीं मिल रहा है फादर, हम फोन में बहुत स्वीकार करेंगे। मैंने कहा देखो फोन में मैं बहुत स्वीकार नहीं सुन सकता, ये कैथोलिक कलीसिया में ये परमिटेड नहीं है। और कितने लोगों को इस प्रकार से काउंसलिंग से ही बातचीत होती रही। मैं देखा प्रभु मसीह, पुनर्जीवित प्रभु मसीह का वह सामर्थ्य मैंने देखा। वचन में प्रभु निवास करते हैं। आज वहां देखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसके सामर्थ्य को आप महसूस करेंगे। कितने लोग जो डिप्रेशन की ओर जा रहे थे, वे पुनर्जीवन प्राप्त कर लिए अपने जिंदगी में। यीशु मसीह को उन्होंने अनुभव किया। मैं देखा, मैं पिछली बार अस्पताल में एडमिट था, यही कोरोना का समय था, लोग फटाफट मर रहे थे अस्पतालों में, लाशें उड़ रही थी, जा रही थी, और मैं बिल्कुल लस्त पड़ा हुआ था। मैंने नर्सों को देखा, इतना बढ़िया सेवा करके, उन लोग खतरे में थे नर्स लोग भी, उसमें होकर के भी हमारा कोई उनसे रिश्ता नहीं था, ना जान परिचय, ना कुछ नहीं था। लेकिन हमें देखा, उनकी नजरों में देखा, उनके सेवा में देखा, पुनर्जीवित प्रभु मसीह की उपस्थिति मैंने देखी। कुछ भी ताकत नहीं था, ना रोगी चलाने की ताकत थी, और ना ही बेड से उठने की ताकत थी। लेकिन नर्सों ने इतना बढ़िया से फादर जी बोल बोल करके इंजेक्शन, हमेशा देखते थे दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा है। मैंने देखा हेल्थ वर्कर्स के इनके निस्वार्थ कार्य में प्रभु मसीह का कार्य देखा। प्रभु यीशु कहते हैं, जब मैं नंगा था तुमने कपड़े पहनाए, जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं बंदी था तुम जेल में मुझे मिलने आए। इस प्रकार की बातें लोग कहते हैं। लोग कहते हैं प्रभु हमने कब देखा और कब आपसे विजिट किया। प्रभु कहते हैं मेरे छोटे से छोटे नन्हे मुर्मू के लिए तुमने किया, तुम मेरे लिए किया। इस बात को दर्शाता है कि मैं आपके बीच में उपस्थित हूं, इन्हीं लोगों के रूप में उपस्थित हूं। मैं पीड़ित हूं, मैं बेसहाय हूं, निसहाय हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं वहां उपस्थित हूं। और आज हमको यह जवाब मिलता है, क्या तुमने प्रभु को देखा है? जी हाँ, हमने प्रभु को देखा है, इन्हीं इंसानों के बीच में देखा। इसलिए संत लूकास का सुसमाचार कहता है परमेश्वर का राज्य कहाँ है। तुम ये नहीं कह सकोगे कि ये वहां है कि वहां है कि वहां है। आप पिन कोड नहीं दे सकते, आप एड्रेस नहीं दे सकते, जगह का नाम नहीं बता सकते। परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता कहाँ पर है? It is right within you। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे दिल के भीतर है, और वही अपना जीवित प्रभु मसीह जिंदा है। और इसलिए हम सब कोई नाच करते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम लोग पुनर्जीवित प्रभु मसीह के साथ हम जीवन जीते हैं, रास्ता चलते हैं। आज रोमियों के नाम से पौलुस के पत्र में हम लोग सुन रहे हैं, यह आध्यात्मिक, उस आध्यात्मिक प्रकाष्ठा की अनुभूति। उसने क्या कहा, यदि तुम यीशु मसीह के साथ पुनर्जीवित होना चाहते हो, तुमको यीशु मसीह के साथ मरना होगा, अपने पाप के कारण मरना होगा। अगर आप पाप में मरना स्वीकार नहीं करते हो, तो यीशु मसीह के साथ पुनर्जीवन में सहभाग नहीं हो पाते हो। पुनर्जीवन मतलब है यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ पुनर्जीवन होना। प्रभु मसीह ने इस संसार के सर्वतमाम दुख तकलीफों को नया आयाम दिया। यदि आप दुख और तकलीफ को अकेले सहोगे, कोई अर्थ नहीं है, यह अर्थहीन है, एक विधिव है। अगर दुख और तकलीफ को तुम यीशु के साथ सहते हो, तो यीशु के साथ पुनर्जीवित भी होगे और अनंत जीवन में आप प्रवेश करोगे। और इसलिए संत पौलुस कहता है, जब से मेरी मुलाकात यीशु से हुई है, जैसे मैंने प्रभु को पाया है, जिस दिन मैं प्रभु का अनुभव किया हूँ, बस उसी दिन जिस चीज को
मैं बहुत भारी दौलत समझता था, बहुत बड़ी अमानत समझता था अपनी जिंदगी में, मुझे एक झटके में हर चीज कचरा नजर आने लगा। आपकी जिंदगी में आप किस चीज को बहुत बड़ी अमानत मानते हैं? कौन सी चीज आपकी जिंदगी में पहली चीज है, प्रायोरिटी है आपकी जिंदगी में, जिसको आप सजेस्ट करके रखते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिस पर नाच करते हैं, जिस पर आप अपने को आधारित करते हैं? तमाम बातें जब मसीह के साथ आप मिलते हैं तो अथरा नजर आने लगता है, क्योंकि प्रायोरिटी मसीह में जाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है, कुछ भी करें आप यीशु के नाम के लिए करें, उसकी महिमा के लिए करें, क्योंकि आपके लिए जिंदगी है मसीह, मृत्यु है मसीह। संत पौलुस कहते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु। प्रभु मसीह ने हम लोगों को यह दिखलाना चाहा, यह दिखलाना चाहा, यदि तुम स्वर्ग राज करना चाहते हो तो तुमको संकरी गली से जाना होगा। आप तो चौड़े रास्ते से जाओगे, चौड़ा रास्ता चुनोगे तो चौड़े रास्ते का अंत तो ये खाई है, आपका भट्ठा है, और इसलिए बच के चलो, संकरी गली से चलो। संकरी गली का रास्ता परमेश्वर हम लोगों को बतलाता है। हम अपनी जिंदगी में हम महसूस करते हैं कि हम हमेशा चौड़ी सड़क को चुनने का रुझान अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। यह दुनिया का जो भी आकर्षण है, जो भी हमारे लिए प्रलोभन का कारण बनता है, हमें परीक्षाओं की ओर नजदीक खींचता है, तमाम बातें हम सबको चौड़े रास्ते पर लेने का प्रयास करता है, ताकि हमारा सर्वनाश हो जाए, क्योंकि यही है शैतानी ताकत। लेकिन प्रभु मसीह हम लोगों को जीवन का असली रास्ता बतलाया, आत्म त्याग करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, जीवन दूंगा, अनंत शांति प्रदान करूंगा। आज हमारे बीच में दो रास्ते लोग रखते हैं, मृत्यु और जीवन, कोई दूसरा तीसरा चीज नहीं है। चॉइस आपका है, चॉइस मेरा है, हम कौन सा चीज चुनना चाहते हैं? यदि आप मृत्यु चुनना चाहोगे तो देखो उसका रिजल्ट सामने है, लेकिन अगर आप जिंदगी चुनना चाहते हो तो प्रभु कहते हैं आत्म त्याग करो, सक्री गली में चलो और मेरे पीछे पीछे चले आओ। आज हम चॉइस करते हैं। चालीसा का समय चॉइस का समय था। चालीसा का समय इतने पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे सामने वह सजेशन देता था, हमारे सामने वह निचोड़ देता था, आपके सामने रखी जा रही है जिंदगी और मौत। जो अगर कोई जिंदगी चुनता है तो वह तैयार हो जाता है यीशु के साथ सफर करने का। संत लूकास का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं 16:33 में लोग पढ़ते हैं, वचन कहता है, इस संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, क्लेश सहना पड़ेगा। दूसरा लाइन है, लेकिन धीरज धरो, मैंने संसार को विजय पाई है। प्रभु मसीह जो पाप और मृत्यु जो इंसान को बिल्कुल ही कमजोर कर देता, निसहाय कर देता, तोड़ देता, मरोड़ देता, बर्बाद कर देता, इन तमाम चीजों को नतीजा होकर के ये तमाम बातों को उसने सदा के लिए समाप्त कर दिया। वे पुनर्जीवित हो गए ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन से मिल जाए। आज हम लोगों का यह सौभाग्य है कि हम सब कोई जागरण की रात्रि, जागरण की रात्रि हम सब कोई पार जाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं। यीशु पुनर्जीवित हो गए और हम भी मसीह के साथ पुनर्जीवित हो गए। कितने सारे लोगों ने पाप स्वीकार किया, अपने जिंदगी को बदला, मसीह जिंदा है, हम मसीह पर भरोसा करते हैं और उसके पास आते हैं जीवन पाने के लिए। पाप स्वीकार करना ही अपने पापों के लिए मरना है। हमने स्वीकार किया पाप, प्रभु ने हमें धो दिया, हमको नया बना दिया, और जैसे ही हम पाप स्वीकार के लिए आशीष पाए वैसे ही हम मसीह के साथ जीते। मसीह के साथ जीतने का हम लोगों के सामने कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसको देखकर कर कह सकेंगे